फिलहाल अगर आप देखें मॉरिशस ट्रीटी और उसके नियमों में और उसके अगर आप देखें जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स था उसमें जो बदलाव किया गया, बाजार बड़ा तंग था उसको लेकर, लेकिन बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला इस ट्रीटी में हुए बदलाव को लेकर क्या राय रखते हैं, बाजार में कितना डाउनसाइड है और कितना अपसाइड पोटेंशियल है, आइए उनसे जी बिजनेस की जो खास बातचीत हुई उसके कुछ मुख्य अंश सुनते हैं। आई श्योरली डू, ओनली थिंग इज दी अदर मार्केट्स, जैसे ब्राजील इतना घटा हुआ है, चिले इतना घटा हुआ है, जितने भी कमोडिटी लिंक्ड इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो बहुत घटे हुए हैं, तो मे बी फॉर टेम्प्रेरी पीरियड दे कुड आउट परफॉर्म इंडिया, बट आई थिंक ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंडिया विल श्योरली आउट परफॉर्म। नहीं, मेरे को लगता है कि 31 मार्च 2017 तक जो बैंकों की प्रॉब्लम है वो उसकी सच्ची पिक्चर अपने सामने आ जाएगी, अब वो कितनी डीप प्रॉब्लम है क्या है वो पिक्चर सामने आएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। बट इंडिया इज नॉट गोइंग टू क्लोज फॉर ऑल टाइम टू कम डिजिटल बिकॉज ऑफ दिस बैंक्स प्रॉब्लम। अब वो बैंक्स की जो प्रॉब्लम है उसकी क्लाइमैक्स आ रही है, और एक बार वो क्लाइमैक्स आएगी सब मालूम होगा, तो अब क्या है कि जो दर्द है वो मालूम हो रहा है, दर्द मालूम होगा तो दवा जरूर आएगी।